बोलते हैं कि चलती के नाम जिंदगी। सच में चलना ही हमारे ज़िंदगी का मकसद है। इस बीच में कोई आते हैं जाते हैं, कुछ गुजर जाते हैं। उस लम्हे को याद करके हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कैसे उसे ओवरकम करें, कैसे उससे आगे बढ़े, यही लेके आज का वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। दो जर्नलिस्ट एक जंगल में जाके पहुँचे। दो जर्नलिस्ट देखे कि एक टाइगर ने एक हरिन को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हरिन किसी भी तरीके से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों ने दो डिफरेंट जगह में काम करते हैं, दोनों ने दो स्टोरी लिखे। एक में लिखे जंगल में क्राइसिस इन फूड, टाइगर्स आल्सो सफर, और एक में लिखे टाइगर इज गिविंग टॉर्चर टू अदर एनिमल्स इन जंगल। इस स्टोरी में देखिए दोनों साइड में दोनों लिखे, लेकिन दोनों ने क्या लिखे, एक ने लिखे कि हाँ टाइगर उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और एक कह रहे हैं टाइगर को खाना नहीं मिल रहा है। इस स्टोरी में दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन है, वो है नेगेटिविटी। हम लोग कोई भी स्टोरी, कुछ भी, जैसे किसी के पास अपने कुछ भी बताना की कोशिश करते हैं तो हमारे क्या दुख है उसे हम कहते हैं, किसी को नहीं कहते कि हमारे पास क्या क्या खुशी के हैं, है ना। ये मीडिया वाले कीजिए या और किसी को भी ले लीजिए, सारे दुनिया हम लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सब कुछ खो गया, सब कुछ चला गया। नेगेटिविटी हम के अंदर में, हमारे अंदर के दिल के एकदम गहरे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी नेगेटिविटी को हम पॉजिटिवनेस भी है। स्टोरी कुछ ऐसे भी बन सकता था वो जंगल वाला कि शेर ने शेर के पंजे से बच गया, शिकारी के पंजे से बच गया हरिन। ऐसे अगर होता तो ये पॉजिटिवनेस होता। लेकिन हम लोगों का नेचर बाय डिफॉल्ट, जैसे कहते हैं ना कुत्ते के दिन कभी सुधर सीधा नहीं हो सकता है, वैसे हम जो है हमारे अंदर में जो है वो ऐसे ही आ जाता है। हम लोग जो भी मोटिवेशनल वीडियोस देखे या कुछ भी स्पीच सुने, उसके बाद भी क्या होता है, कुछ देर के लिए उसे सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम सभी कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना क्या है, मेडिटेशन करना नहीं, मेडिटेशन होना है, मेडिटेट होना है। कैसे, देखिए आप घूम रहे हैं इधर उधर, अभी आप 23 घंटे डिप्रेशन में रहे, एक घंटे मेडिटेशन करें तो कोई काम का नहीं है ना। मेडिटेशन करते करते ये क्या कर रहे हो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, नहीं ऐसे कुछ भी मत कीजिए। क्या है, करिए मत, ऐसे मैं कह नहीं सकती, जिसका जो नेचर है करेंगे, मेरा भी जो नेचर है मैं करूँगी, लेकिन तब भी क्या बोलना है, नेगेटिविटी को हम लोग अगर बदल सके, बाहर वाले जो भी हो रहा है अपने अंदर को स्पिरिट को समझे। सुबह उठ के, जैसे रात को मैं कहती हूँ कि सोने के वक्त देखिए क्या क्या इस दिन में हमारे साथ गुजर गया, अगर हम ऐसे करते तो कितना उसे चेंज कर पाते, क्या खोया और क्या पाया का हिसाब करके सोए। लेकिन खोया और पाया के हिसाब ऐसे नहीं हो सकता है। आप जिसे कह रहे हैं कि खो गया, शायद वो खोना आपके लिए अच्छा ही है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई शायद नए रिश्ते बनाने के लिए, कोई बिछड़ गया, शायद वो बिछड़ना ज़रूरी था क्योंकि उनके भी एक लाइफ ज़रूरी है अलग सा, आपको भी ज़रूरी है, शायद सब कुछ ही है। हमारे पास सब कुछ ही हाइपोथेसिस है, कोई प्रूफ नहीं है, है ना, दिमागी हालत का। ये हार्ट चलता है और हार्ट में क्या क्या है वो तो साइंस बोल सकते हैं,
लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि इस हार्ट बीट में कौन सा टेंशन और कौन सी चीज़ें छुपा है। इसको ओमिट करें कैसे? ओमिट ऐसे ही कर सकते हैं जैसे सारे दुनिया का जो भी हालात है, आप जब सुबह उठे तो एक चीज़ याद करें, हम क्या है, क्या अंदर में लेके आए हैं। सोचिए, जैसे एक चीज़ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। तो जिस दिन हम नेचर में जाके खड़े होके कह पाए, ये हवा मेरे पास आते हैं, ये मेरा है, ये सांसें मेरे हैं, किसी किसी का सांस लेने में भी दिक्कत है, हवा लेने में दिक्कत है, वो हमें नहीं है, हमारे पैरों तले ज़मीन है, एक ऐसे खड़े हो सकते हैं जैसे कूद सकते हैं, कोई ऐसे भी है जो ऐसे चल नहीं सकते, तो हमारे पास इतना कुछ है, वी आर वेरी मच रिच। सो अगर हमारे पास इतना कुछ है, इतना पोटेंशियल है, तो चलिए हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, जो मेरे पैशन है उसे हम शुरू करते हैं, उस पैशन में डूब जाते हैं। कौन आया, कौन गया, आने वाले आ जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे, उसे लेके टेंशन मत लीजिए, भूल जाइए ये सब। देखिए, एक चीज़ तो सही है, वो आइंस्टाइन के लॉज यहाँ पे काम करते हैं, कोई चीज़ों का क्षय नहीं हो सकता है, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, कोई चीज़ गेन नहीं कर सकते हैं। जो दुनिया की शुरुआत में थे आज भी वही है। तो हमारे तुम्हारे करके हम डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, अरे ये चला गया, मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ चली गई, ये सब क्यों? ये सोच के ही ना कि मेरे पास ये सारे चीज़ें था, ये नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। हम जब दुनिया में आए थे नंगा पुंगा आए थे, है ना, जाएंगे भी वैसे, तो हम यहाँ आए किस लिए? कोई एक काम मकसद से, है ना? जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम सिर्फ कुछ चीज़ों की, कुछ सन में कुछ चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। डीपली सोचिए एक मिनट के लिए, बाकी सबको भूल के एक मिनट के लिए सोचिए। देखिए, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, या कोई किसी को पढ़ा रहे हैं, या कोई किसी को कुछ फीस दे रहे हैं, या कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, किस कारण से? बाहर वालों के ऊपर उंगली डाल के ही ना, ये इसने ये नहीं किया, इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन बाहर वालों को उंगली डालने के बजाय अगर आप खुद के अंदर देखें कि हम में कितना कमियां थे, कोई चीज़ें, कोई रिश्ते टूट गए या कोई चीज़ें छूट गए, तो उसमें हमारे कमियां के कारण भी तो हो सकता है, एक बार नहीं बार बार कुछ चीज़ें हो रहा है, तो वो शायद हमारी कमियों के कारण। सोचिए ऐसे, हम यहाँ आए हैं कुछ काम करने, काम करना है, लेकिन उसे सिंसियरली करके चले जाना है। आप कहेंगे ये सारे बातें तो हम जानते हैं, ज़रूर जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन तब भी डिप्रेशन आ जाते हैं। तो मेरी ये कहना है, अगर आपको हैप्पी रहना है, दुनिया वालों का ये हैबिट है कि सबको आपको दुख की कहानी सुनाए, कोई कहेगा नहीं कि इतने इतने चीज़ें मेरे पास है, भाई हम इतने खुश हैं, आई हैव टू मच हैप्पी, ये कोई नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आपको शांत दिमाग से रहना है, अगर आपको खुशी चाहिए, खुशी किस में है? किसी पे उंगली मत डालिए, खुद के अंदर में कमियां ढूंढिए, शायद जो जैसे है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर पाए तो आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं। सबके कमियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, लेकिन तब भी हम लोग जब किसी को प्यार करते हैं, कोई बच्चे को प्यार करते हैं, उस बच्चे
आपके गोदी में सुसु भी कर सकते हैं, पॉटी भी कर सकते हैं, तब भी हम बच्चे को लेना छोड़ नहीं देते हैं, है ना। तब भी हम उसे लेते हैं, प्यार करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो प्यार है। उसमें सुसु पॉटी भी हो सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होगा कि दूसरों की कोई कमी नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस की करीन है, किसी को मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, किसी को नहीं, तो देखिए किसी का आने का या जाने का दुख नहीं है, क्योंकि जो गया उसको आपके ही कारण से गया, आपने एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जो आया वो आपके ही कारण से आया, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर पाए। और एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ आई हूँ कुछ काम करने के लिए, मेरा काम ख़त्म होते मैं भी चली जाऊँगी, और किसी का काम ख़त्म होगा तो वो भी चला जाएगा। तो इस बीच में इतना सारे लड़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव आवर ओन मोटो, ओन वे। एक चीज़ किसी मूवी में मैंने सुनी थी, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, सिर्फ मुझे नहीं, शायद ये सबको ही मानना चाहिए। आपके सिक्का आपके हाथ पे ही आएगा, और आपके सिक्का आपके इशारे में ही हेड और टेल कहेगा, दूसरे के हाथ पे नहीं। तो जो आपका है, देखिए एक चीज़ एक तजुर्बे से कहिए या कुछ चीज़ें बिलीफ से कहिए, ये सारे चीज़ें जो दुनिया में हो रहा है उसे लेके डिप्रेशन की नहीं, वो सिर्फ इस चीज़ का है कि हम लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ें प्री डिफाइंड है। आप कहेंगे कौन साइंस के ज़माने में ये सब क्या बता रहे हो? जी नहीं, ऐसे बात नहीं। लेकिन देखिए, आप आज ही के दिन किसी से मिले, कल के दिन नहीं, परसों दिन भी नहीं, और कोई चीज़ें ना कर पाए, तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो होना है और जो होगा वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है। एक सर्कमस्टेंसेस है, कोई सर्कमस्टेंसेस से किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई और किसी तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, स्क्रीन पे भी देखिए दिखाई दे रहा है, वक्त। वक्त एक ऐसा चीज़ है जो आपको सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई और चीज़ें हो सकता है, कुछ भी। तो वक्त अपने हिसाब से चल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी चल रहे हैं। ये चलती के नाम है ज़िंदगी, सही बात है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो हमें भी चलना चाहिए। क्या हो गया था और क्या खो गया उसे लेके बैठना नहीं, जो है, जो मेरा है, मेरा भी कुछ नहीं इस दुनिया का है, हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। कोई हमसे बुरे व्यवहार किए, उस सर्कमस्टेंसेस में शायद वह ठीक थे, शायद वो ठीक है, और जो आगे है वो मेरा है, मेरे दुनिया के है, मेरी दुनिया मुझे जो दे रहा है उसे लेके ही हम काम करते हैं। एक चीज़ सोचिए, घर पे जब आप खाना बनाते हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर बनाते होंगे, एक दिन ट्राई तो ज़रूर किए हैं, तो क्या करते हैं, जो घर पे है उसे ही दे के बनाने की कोशिश करते हैं। अरे मुझे 5 स्टार वाला खाना बनाना है, अभी दौड़ो दौड़ो, कुछ चीज़ें सामान लाना शुरू करो, रात को 2 बजे है तो कोई बात नहीं, दौड़ना शुरू करो। ऐसे नहीं करते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में जो मेरे पास दुनिया ने दी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे दुनिया का जो है उस दुनिया को लेके मुझे ये चीज़ करके दुनिया को दे के जाना है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। अगर ये सोच हम एडप्ट कर पाए तो देखिए मन में थोड़ा बहुत शांति ज़रूर आएगा। 1 घंटे के लिए ये मोटिवेशन स्टोरी सुन के, तो उसके बाद कोई मोटिवेशन वीडियो सुन के या स्पीच सुन के नहीं, मन के शुरुआत में ही सुबह आप जब निकले, अरे इसने ये किया, उसके सर्कमस्टेंसेस शायद ऐसे हैं, इस वजह से किए, ऐसे सोच के एक दिन निकालिए, देखिए दूसरे दिन से वो दिन आपका कैसा जाता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई क्या सोचते हैं, और कोई सोचिए, देखिए, रियलाइज़ कीजिए। अगर आपको लगे जैसे
धूप आए। देखिए कोई बच्चे बच्चे लोग कितना खुश रहते हैं, किस लिए? उसका कोई टेंशन नहीं है, हाँ मम्मी ने मुझे ये नहीं दिया, डैडी ने ये नहीं दिया, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं सोच रहे हैं। बच्चे कैसे सोच रहे हैं? अरे ये कोई चीज़ आया है, देखिए एक मेंढक आया है, मेंढक कितना सुंदर, उसे पकड़ो। धूप आया, अरे धूप, धूप को पकड़ने की कोशिश करो। बचपन में हम लोग भी किए होंगे ऐसे। अगर फील करे जब का जो है, खाना जब ज़रूरी है खा लेंगे, रोने पे जी शुरू कर देंगे खा लेंगे। आप कहेंगे हम कहाँ रोएंगे, रो के कहाँ मिलेगा, हमने रो के नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो काम है जिसे हम काम कर सकते हैं, जो हमारे पैशन है उसे करेंगे। और एंड में क्या, एंड में यही सोचेंगे कि जो मुझे मिला कितना कुछ मिला, अरे आज इतना मिला, आज इतना मिला। अरे वो लोग हमारे, एक ख्याल है कोई रिश्ता भी टूट जाए या कुछ भी है, हम लोग वो बैड मेमोरीज़ को याद करते हैं। कुछ तो अच्छा ही ज़रूर था भाई, उस अच्छाई को याद करो ना, बैड को क्यों यूज़ कर रहे हो? बैड तो सभी में है, हम में भी है, तुम में भी है, सब में है। तो इस बैड चीज़ों को भूल के, बैड मेमोरीज़ को भूल के, अगर हम अच्छाई, अरे उसने मेरे साथ इतना अच्छाई किया था, आज वो अलग है क्योंकि कोई कारण है, उनके और कोई वजह है, शायद उन्हें और भी बेटर डिज़र्व करते थे, मैं भी बेटर डिज़र्व करती हूँ, इस वजह से अलग है। ये सोच जब आ जाएंगे, ये माइंड का कचरा चला जाएगा। माइंड में दिन भर हमारे कचरा पड़ा रहता है, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो, उसने क्यों किया, ये नेगेटिवनेस, ये कचरा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने से देखिए हम लोग बच्चे उंगली देके खा रहा है, हम लोग का ज़्यादा हाइजीन का ज्ञान है, हाथ नहीं धोया, अरे मुझे ये हो जाएगा, मुझे आज ये बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक चीज़ है, जो हम सोचते हैं वही होते हैं। आप जैसे सोचोगे वही, उसी का रिफ्लेक्शन हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अगर डीपली आप कुछ सोचो तो वही होगा। तो कचरे भरे हुए दिमाग में कचरा ही आएगा। जिस दिन उसे एबोलिश करके, तुरंत करना है हमें, तुरंत करके सोचना शुरू करेंगे कि अरे हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, घर है, मकान है, ये है, अच्छा ये चीज़ भी है, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, अरे मेरा हार्ट तो अभी तक चल रहा है, अरे मेरा दिमाग भी सही से काम कर रहा है, मैं इतनी सुंदर जगह में हूँ। वो फीलिंग्स ही चेंज कर देंगे आपके सारे बर्ताव, आपके सारे सोच। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच मैं भी देने वाली नहीं हूँ, मेरी इतने औकात भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं रियलाइज़ करती हूँ, जो मैं खुद से अपने दिमाग में ला के शांत होती हूँ, उससे मैं शांत हो जाऊँ और सबको भगाऊँ, भाई तू लोग परेशान रहे, ऐसे नहीं चाहती मैं। इस वजह से ये सारे वीडियोस हैं। देखिए आपको कैसा लगा, कैसे सुन रहे हैं, आपका रिएक्शन लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।